गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे हॉट वर्क परमिट को कैसे फिल किया जाता है। ठीक है, देखिए मैं आप लोग को ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि हर एक कंपनी या कॉन्ट्रेक्टर में परमिट अलग अलग तरह के हो सकते हैं। ठीक है, कंटेंट इधर उधर दिया जा सकता है, ठीक है, लेकिन कंटेंट सेम रहेगा। देखिए इस परमिट में सबसे पहले क्या दिया है, प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट का नाम बताइए, आपका प्रोजेक्ट क्या है। ठीक है, प्रोजेक्ट हम लोग कुछ भी मान लेते हैं, अभी तो दिया गया नहीं है, अगर आप लोग जहां पे काम कीजिएगा लो वहां पे दिया रहेगा तो उसका प्रोजेक्ट का नाम डाल दीजिए। अभी मान लीजिए हम लोग प्रोजेक्ट एक लेके चलते हैं, एबीसी है मेरे प्रोजेक्ट का नाम। ठीक, उसके बाद है प्रोजेक्ट नंबर। प्रोजेक्ट नंबर क्या है, प्रोजेक्ट नंबर भी कुछ मान लीजिए, मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट नंबर है FEX100। ठीक, ये मेरा प्रोजेक्ट नंबर है। उसके बाद बोल रहा है टाइप्स ऑफ हॉट वर्क, यानी किस प्रकार का हॉट वर्क कर रहे हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, फ्लेम कटिंग कर रहे हैं, कौन सा वो हॉट वर्क कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए हम लोग वेल्डिंग वर्क कर रहे हैं, ठीक है, आप जिस प्रकार का कर रहे हैं उस प्रकार का लिख देंगे कि सर हम वेल्डिंग वर्क कर रहे हैं, PTW रिक्वेस्टेड बाई। ठीक है, यानी कि ये परमिट टू वर्क किसके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है, वर्क परमिट जो है वो किसके द्वारा रिक्वेस्ट किया गया है। अगर मैकेनिकल इंजीनियर कर रहा है तो लिख सकते हैं आप उसका नाम मैकेनिकल, या अगर कॉन्ट्रेक्टर कर रहा है तो कॉन्ट्रेक्टर लिख दीजिए। ठीक है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है उसके बगल में उसका नाम लिखते रहे। उसके बाद क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन पूछा है कि जहां पे आपका काम चल रहा है वहां का एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। ठीक है, कहां पे काम चल रहा है, मान लीजिए आपका काम फिफ्थ फ्लोर पे चल रहा है, सेकंड फ्लोर पे चल रहा है, टेंथ फ्लोर पे चल रहा है, जिस पे चल रहा है वहां पे लिख दीजिएगा कि सेकंड फ्लोर, सेकंड फ्लोर गैस, जिस पे आपका चल रहा है गैस पाइपलाइन का काम है सर, सेकंड फ्लोर पे मेरा चल रहा है। उसके बाद है डेट, डेट पूछ रहा है किस डेट को काम कर रहा है, किस डेट के लिए परमिट लिए है। ठीक है, अगर कोई भी डेट आप डाल सकते हैं, मान लीजिए हम लोग एक डेट ले लेता हूं मैं 5 तारीख और छठा महीना 2023 के लिए मैं लिया हूं इस दिन 5 तारीख को। ठीक है, छठा महीना। उसके बाद है डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, यानी कि वर्क को थोड़ा डिस्क्रिप्शन में बोल रहा है। देखिए ये सेक्शन 1 है, ठीक है, इसमें बोल रहा है कि वर्क को थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए। देखिए हम लोग लिखे हैं कि हम लोग वेल्डिंग वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बताना जरूरी है ना कि वेल्डिंग वर्क किसका कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ठीक है, किस चीज का वेल्डिंग वर्क कर रहे हैं, यहाँ पे लिखना जरूरी है। देखिए मान लीजिए हम लोग मेटल को ज्वाइनिंग कर रहे हैं, एलॉय मेटल है कोई, उसको ज्वाइनिंग कर रहे हैं लोग गैस पाइपलाइन के माध्यम से, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा ज्वाइनिंग एलॉय मेटल पाइपलाइन बाई वेल्डिंग बाई गैस वेल्डिंग, मान लीजिए हम लोग गैस वेल्डिंग कर रहे हैं। ठीक, पूछा था डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क, यानी वर्क को थोड़ा डिस्क्रिप्शन में लिखिए, तो हम लिख दिए ज्वाइनिंग एलॉय मेटल पाइपलाइन बाई गैस वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग के माध्यम से हम एलॉय मेटल पाइप को ज्वाइन कर रहे हैं लोग। ठीक है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए स्टार्ट डेट, ड्यूरेशन में बोल रहा है स्टार्ट डेट, कब आप स्टार्ट कर रहे हैं, फिनिश डेट कब खत्म कर रहे हैं, एंड एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ क्लोजर, और क्या आपका एक्सपेक्टेशन है कि कब आप उसको ये काम खत्म हो जाएगा। मान लीजिए मेरा स्टार्ट डेट है, वहां पे लिखे थे लो स्टार्ट डेट मेरा 5/6/2023 को स्टार्ट हो रहा है, और खत्म भी मान लीजिए 8 घंटा 12 घंटा के लिए काम खत्म कर देंगे तो वही डेट लिखेंगे 5/6/2023। और बोले एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ क्लोजर, यानी कि क्या आपका एक होता है ना अनुमान होता है कि भाई मेरा काम 5 बजे खत्म हो जाएगा, 6 बजे खत्म हो जाएगा, 8 बजे खत्म हो जाएगा, जो भी आपका एक्सपेक्टेड टाइम है, मान लीजिए 8 PM मेरा खत्म हो जाएगा या 7 PM, तो हम उसको लिख लेंगे कोई भी। ठीक, उसके बाद सेक्शन 2 में बोल रहा है सेफ्टी प्रिकॉशन, आप क्या कर लिए यहाँ पे यस नो देना है। ठीक है, ये सब सेफ्टी प्रिकॉशन है। फर्स्ट में देखिए द एबव लोकेशन हैड बीन इंस्पेक्टेड, यानी बोला है कि जो लोकेशन है ये अच्छी तरह से इंस्पेक्ट किया गया है कि नहीं।
अगर इंस्पेक्ट किया गया है तो यस, ठीक है, बिना इंस्पेक्ट किए तो आप काम कीजिएगा नहीं, करवाइएगा नहीं वहां पे, तो वहां पे आप लोकेशन बोल दीजिएगा कि इंस्पेक्ट किए और उसको अच्छी तरह से चेक करना है। उसके बाद है देयर आर नो कंबस्टिबल्स लिक्विड्स गैसेज एंड डस्ट, यानी कि लोकेशन के पास कंबस्टिबल लिक्विड्स, कंबस्टिबल समझ में आता है, कंबस्टिबल मतलब होता है ज्वलनशील, जो चीज जलता है, कोई भी ऐसा लिक्विड जो जलता है, जैसे किरोसिन तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ठीक है, ये सब हो गया कंबस्टिबल लिक्विड या कंबस्टिबल गैस एंड डस्ट, और कोई कंबस्टिबल गैस है, डस्ट है, ये सब है, ये सब वहां पे है अगर, तो उसको हटाना है। वो इसीलिए बोला कि देयर आर नो कंबस्टिबल लिक्विड्स गैसेज एंड डस्ट, वहां पे ये सब चीज नहीं है ना, अगर नहीं है तो यस, वेल्डिंग वर्क से पहले उसको देख लेना है। उसके बाद क्या है तीन नंबर, ऑल कंबस्टिबल मटेरियल्स हैव बीन रिमूव्ड और प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हीट एंड स्पार्क, यानी बोल रहा है जितने भी कंबस्टिबल मटेरियल्स है, यहाँ पे हैव होगा, जितने भी कंबस्टिबल मटेरियल्स है वहां से हटा दिए गए। देखिए इसका अर्थ समझा रहे थोड़ा डीपली, सपोज कीजिए यहाँ पे मेरा वेल्डिंग वर्क चल रहा है, ठीक है, गैस वेल्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं, तो उसमें से अगर गैस वेल्डिंग जब कीजिएगा तो उसमें उसका हीट या उसके चिंगारी स्पार्क निकल के किसी अगर कोई कंबस्टिबल मटेरियल है बगल में तो उस पर पड़ सकता है, तो इस तरह से आग लग जाएगा। इसीलिए क्या करना है कि आपको वर्क साइट पे जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहां से कंबस्टिबल मटेरियल्स को हटा देना है। अगर नहीं हटे तो तब क्या कीजिएगा, अगर नहीं हट रहा है तो उसको बोल रहा है प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हीट एंड स्पार्क, कोई ऐसा उपाय लगाइए कि जिससे कि हीट और स्पार्क से वो प्रोटेक्ट रहे, सुरक्षित रहे। तो इसके लिए आप लोगों को बताए थे क्या यूज करना है, फायर प्रूफ मैट्स यूज कर सकते हैं, अगर कोई नहीं हट रहा है, भारी है, हट रहा है तो उसको हटा देना चाहिए, नहीं हटने वाला है तो उसको फायर प्रूफ मैट से ढक दीजिए ताकि हीट और स्पार्क से वो बच जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऑल कंबस्टिबल मटेरियल्स हैव बीन रिमूव्ड, हटा दिया गया कि नहीं, और प्रोटेक्टेड अगेंस्ट हीट एंड स्पार्क, या फिर हीट एंड स्पार्क के अगेन उसको प्रोटेक्ट किया गया कि नहीं, अगर किया गया है, हटा दिया गया है तो ये ठीक। उसके बाद देखिए, इंश्योर अ मैन स्टैंडिंग विथ फायर एक्सटिंग्यूशर, यानी कि जहां पे काम चल रहा है वर्क साइट पे एक ऐसा व्यक्ति है कि नहीं ये सुनिश्चित कर ले, विथ फायर एक्सटिंग्यूशर, जिसको फायर एक्सटिंग्यूशर का नॉलेज होना चाहिए, उसके पास फायर एक्सटिंग्यूशर होना चाहिए और उसे जानकारी भी होना चाहिए उस चीज का, अगर है एक फायर एक्सटिंग्यूशर ऑपरेट करने वाला व्यक्ति तो वहां पे यस, नहीं है तो नो, ठीक है। आगे है द ऑपरेटिव्स हैव द नियरेस्ट फायर अलार्म और टेलीफोन लाइन पॉइंट, यानी कि जो ऑपरेटिव्स है जो काम कर रहा है उसके पास एक नियरेस्ट फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, फायर अलार्म, कभी भी अगर आग लगे तो उसको फायर अलार्म क्लिक करने पे पूरा चारों ओर सुनाई देता है, फायर अलार्म उसको बोला जाता है, या फिर टेलीफोन लाइन पॉइंट होना चाहिए उसके पास ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो फटाक से वो कॉल कर सके, फायर अलार्म बजा सके, ये जरूर होना चाहिए, ये है कि नहीं, अगर है तो यस, नहीं है तो नो, ठीक। उसके बाद द ऑपरेटिव्स हैव बीन ट्रेनिंग कंप्लीटेड, यानी कि जो आपका ऑपरेटिव है जो काम कर रहा है वो ट्रेनिंग कंप्लीट लिया है कि नहीं, कंप्लीट ट्रेनिंग किया है कि नहीं काम करने का, अगर किया है तब यस, वो पूरी तरह से कॉम्पिटेंट होना चाहिए काम का, ठीक है, आपका जो ऑपरेटिव है। उसके बाद है सात नंबर, एरियाज बैरिकेटेड एंड साइंस प्लेस्ड टू अवॉइड अनऑथोराइज्ड पर्सनल, यानी कि बोल रहा है यहाँ पे कि जो वर्क एरिया आपका वो बैरिकेट है कि नहीं, या फिर वहां पे साइन बोर्ड भी लगा होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए, बैरिकेशन भी वहां पे होना चाहिए और साइन बोर्ड भी प्लेस होना चाहिए, लगा होना चाहिए, किस लिए, ताकि जो अनऑथोराइज्ड पर्सनल है जिसको अधिकार नहीं है उस क्षेत्र में आने का उसको रोका जा सके, वो अंदर न आए, ये दोनों बेहद जरूरी होता है, ये किए हैं कि नहीं, अगर किए हैं तो यस, ठीक, कोई दिक्कत इसमें, सेफ्टी प्रिकॉशन था आपको सब लाइन से बता दिया गया है। अब देखिए आगे क्या है, पीपी इज यूज्ड, यानी पीपी कौन कौन सा उस काम में यूज कीजिएगा, यहाँ पे एक दिया है डेली चेक्स टू बी मेड बाई फोरमैन एंड रैंडम चेक्स बाई सेफ्टी ऑफिसर, यानी कि आपके पीपी जो भी हैं ये डेली एक फोरमैन के माध्यम से चेक होना चाहिए और रैंडमली एक सेफ्टी ऑफिसर के माध्यम से भी थोड़ा बहुत चेक होना चाहिए, वो भी चेक करके देगा, उसका भी ये जिम्मेवारी होता है। जैसे हेलमेट है, आपको हेलमेट इस काम में यूज करना है कि नहीं, कौन कौन सा इसमें से पीपी आपको यूज करना है उस पर यस कर लीजिए, ठीक
ठीक है, या फिर जो नहीं यूज करना है उसको नो कर दीजिए। मान लीजिए हेलमेट आपको चाहिए अगर, तो आप कह दीजिए यस, ठीक है। कवरऑल नहीं चाहिए तो नहीं, गॉगल चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नहीं, आपका जो मर्जी, जो उस काम के अकॉर्डिंग आए, ठीक है, जो आपको लगे कि इस काम के लिए ये चीज जरूरी है तो उसको दीजिए वर्कर को, ठीक है। अगर फेस मास्क ईयर प्लग है यस चाहिए तो फेस मास्क चाहिए तो यस, वेल्डिंग सील चाहिए तो यस, ग्लव्स चाहिए तो यस, सेफ्टी शूज आपको चाहिए यस, चीन स्ट्रैप नहीं चाहिए तो नो, ब्रीथिंग अपैरेटस अगर कोई चाहिए, ब्रीथिंग ऑपरेटर्स होता है जैसे स्काबा वगैरह आपको बताए थे जो श्वास से संबंधित उपकरण होते हैं, अगर नहीं चाहिए तो नो, अगर सेफ्टी ग्लास चाहिए तो यस, ठीक है। काम के अकॉर्डिंग, खतरा के अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा और इसको साइन कर लीजिएगा, जो जो चीज वहां पे जरूरी हो, कंडीशन देख के ये सब चीज लिया जाता है। उसके बाद एनी एडिशनल पीपीईज एंड सेफ्टी एलिमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है, एनी एडिशनल पीपीईज, यानी कि इसके कहने का अर्थ है, आपको आखिरी में पॉइंट भरने का दिया है कि ऐसा कोई है जो मान लीजिए वो पीपी ये वर्क परमिट पे सब दिया है, ठीक है, पूरा वर्क परमिट के आपको पीपी दिया है, लेकिन ऐसा भी कोई पीपी आपको लेना है या फिर जरूरी है जो इसमें नहीं है, हो सकता है कि इसमें नहीं है और आपको चाहिए वो चीज, तो उस समय आपको दिया है मौका कि यहाँ पे लिख लीजिए। अब मान लीजिए कोई एडिशनल पीपी, जैसे मान लीजिए आपको लेना है वार्निंग साइन, तो वार्निंग साइन ले लीजिए क्योंकि वहां पे नहीं दिया, आपको लगाना है वार्निंग साइन। अगर मान लीजिए इसमें फायर एक्सटिंग्यूशर का भी जरूरत है तो फायर एक्सटिंग्यूशर ले सकते हैं, फायर एक्सटिंग्यूशर, जो भी चीज आपको जरूरी है यहां पे ले सकते हैं, ठीक है, जिसका जिसका जरूरी है। अब बताइए कोई दिक्कत है तो इसमें इस तरह से आप हॉट वर्क परमिट फील कर सकते हैं।